नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे वरूथनी एकादशी व्रत के पूजा विधि, तिथि व मुहूर्त के संबंध में। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर मास में दो एकादशियां आती हैं, दोनों ही एकादशी खास होती है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जो इस बार 18 अप्रैल 2020 को है, ये बहुत ही खास है। उसका नाम वरूथनी एकादशी है, इसे वरूथनी एकादशी भी कहते हैं। बहुत ही पुण्य और सौभाग्य प्रदान करने वाली ये एकादशी होती है, जिससे मनुष्य के बहुत सारे पाप व ताप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति का ये लोक ही नहीं, वरन उसका आप कह सकते हैं कि अगला जन्म भी सुधर जाता है। अर्थात ये बहुत अथाह पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। इस दिन 18 अप्रैल 2020 को एकादशी होगी और व्रत का जो पारण होगा वो अगले दिन अर्थात 19 अप्रैल को सुबह 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक का मुहूर्त है, सुबह तक का। तो इस बीच ही अगर आप पारण कर लें तो बहुत अच्छा, और खासकर यथाशक्ति दान अवश्य करें। इस वक्त, इस समय जो आप दान करते हैं, खासकर अनाज अनाज से बनी हुई वस्तुओं का दान या फलों का दान, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। इस दिन जब भी आप सुबह उठें तो भगवान के मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा चूंकि इस दिन की जाती है, तो इस दिन सुबह ही सुबह भगवान विष्णु के वराह रूप का स्मरण करें, उनको प्रणाम करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें, क्योंकि ये मंत्र स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा फलदायी एकादशी के दिन करने से होता है। तो अब बात करेंगे वरूथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। देखिए, व्रत कथा से पहले एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई व्रत रखें, उससे एक दिन पहले से ही आप मांस मछली मदिरा ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल छोड़ दें। और उससे भी बड़ी बात है कि अपने विचारों को शुद्ध करें, किसी के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना न रखें, किसी के लिए बुरा न बोलें। यदि आप इन भावनाओं के साथ यदि व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इस व्रत के लिए खास कथा हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताई गई है। वरूथनी एकादशी का जो व्रत होता है उसके बारे में जो कथा है वो इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था, जिस पर मांधाता नामक राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे, अपनी दानशीलता के लिए दूर दूर तक वे प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी भी थे और भगवान विष्णु के उपासक भी थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या के लिए चले गए और विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या आरंभ कर दी। वे अभी तपस्या में ही लीन थे कि एक जंगली भालू ने उन पर आक्रमण कर दिया व उनके पैरों को चबाने लगा। लेकिन राजा मंधाता तपस्या में ही लीन रहे, भालू ने घसीट कर ले जाने लगा, तो ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी। लेकिन उन्होंने अपने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और उन्होंने प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि हे भगवान विष्णु, आप मुझे इस कष्ट से बचाएं, आप मुझे इस संकट से उबारें। भगवान अपने भक्त को संकट में कैसे दे सकते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हुए और उन्होंने भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू राजा के पैर को लगभग पूरा चबा चुका था। राजा बहुत दुखी थे, बहुत दर्द में थे। भगवान विष्णु ने कहा कि हे वत्स, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि वरूथनी एकादशी कहलाती है, पर तुम मेरे वाराह रूप की पूजा करना, व्रत के प्रताप से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हृष्ट पृष्ट हो जाओगे। भालू ने भी जो तुम्हारे साथ किया, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया और व्रत का पारण करते ही उसे जैसे नव जीवन मिल गया, वो फिर से हृष्ट पुष्ट हो गया। अब राजा और भी अधिक श्रद्धा भाव से भगवान के भक्ति में लीन हो गया। तो कहते हैं इस व्रत को सुनने वाले को अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर आपके लिए बहुत ही अच्छा करे और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं को पूरी करे, ऐसी कामना के साथ फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।